राणा सनाउल्ला और राणा मुबशर इकबाल मुस्लिम लीग नून के मजीद दो रहनुमा तहकीकात की जद में। साबिक वज़ीर कानून पर फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराने का इल्जाम। राणा सनाउल्ला ने मनपसंद अफराद को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। लीगी एमएनए राणा मुबशर इकबाल ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। मुतासरा बीवी खातून की दरखास्त, नैब ने दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। कंपनियां तश्कील देकर और पुरकशिश तनख्वाहों पर अफसरान के तैनाती को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ब्यूरोक्रेसी पर सियासी इशराफे के असरात, गुड गवर्नेंस के लिए मौत की घंटी है। अफसरान की तैनाती से सिविल सर्विस के ढांचे को नुकसान पहुंचा। सियासी तौर पर नवाज कर अफसरान की वफादारियां हासिल की गईं। पब्लिक सेक्टर कंपनी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा जारी। गुजरात पुलिस फंड में 70 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक सिटी और राय एजाज एहतसाब अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड में एक रोज की तौसी, कल दोबारा पेश करने का हुक्म। 777 अफराद की गैर कानूनी भर्तियों का केस। आसिफ हाशमी के जुडिशियल रिमांड में 7 रोज की तौसी। डीजी नैब ने गुजरात पुलिस करप्शन केस की इंक्वायरी तहकीकात के मराहिल में दाखिल करने की मंजूरी दे दी। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए ग्राउंड्स के इस्तेमाल का मामला। मंसूबे के लिए दो नहीं बल्कि तीन ग्राउंड्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। एलडीएनए एमएओ कॉलेज की ग्राउंड भी ऑरेंज ट्रेन को मुफ्त इस्तेमाल के लिए दी। एमएओ कॉलेज इंतजामिया के मरासले ने भांडा फोड़ दिया। कॉलेज इंतजामिया की ग्राउंड की बहाली के लिए एलडीए को दरख्वास्त। बजट पास मगर एलडीए शहर में एक भी नई स्कीम मंजूर कराने में नाकाम। नई तरक्याती स्कीमों के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी स्क्रूटनी के बाद प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत देगी। वजीर आला की जेर सदारत इजलास। एलडीए का 20 अरब रुपए के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट मंजूर। वासा का 16 अरब और टीपा का 1 अरब रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर। साबिक दौरे हुकूमत के 400 करोड़ रुपए के मनसूबों की भी मंजूरी। हाउसिंग स्कीम ड्राइवेंड रोड में लाकानूनियत का मामला। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एलडीए महकमे माल और एफबीआर से रिकॉर्ड तलब। स्कीम को जाने वाले रास्ते की अराजी वफाक की है। स्कीम स्पॉन्सर ने पास सिर्फ 41 केनाल अराजी, 650 से जायद प्लॉट फरोख्त किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन ना करने वाले हो जाए होशियार। अब ना तारीख में तौसी होगी ना माफी मिलेगी। महकमा दाखला का मैनुअल लाइसेंस मंसूख करने का फैसला। 26 लाख नॉन कंप्यूटराइज असलहा लाइसेंस मंसूख होने का खदशा। एयरपोर्ट पर मुझे कहा गया ऊपर से हुक्म आया है आप बाहर नहीं जा सकते। मुझे रोककर न्याजी साहब का बुग़्ज़ ठंडा होता है तो कर लें। मुझसे ऐसा सलूक किया गया जैसे दहशतगर्द या तकरीबकार हूं। न्याजी साहब एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रहे हैं। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के कप्तान पर वार। कहा 56 कंपनियों का बड़ा शोर था अब कहीं जिक्र नहीं। 100 दिन का रोना रो लिया अब आवाम की खदमत करें वरना मुआफ़ी मांग कर घर चले जाएं। ख्वाजा सलमान रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी करने का मुतालिबा। हमजा शहबाज को भी इल्म है कि वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इदारे जिसको भी तलब करें पेश होना पड़ेगा। फयाजुल हसन के जवाबी वार। कहा पंजाब असम्बली के अराकीन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं। खादिम आला ने यह कानून पास ही नहीं होने दिया। ख्वाजा बरादरान चीख रहे हैं कि हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वो लूट मार करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए, कोई पिकनिक मनाने नहीं गए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम ना करने का फैसला। 17 दिसंबर को तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क। हेलमेट के कानून पर पाबंदी ना करने पर बरहमी का इजहार। मोटरसाइकिल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की हिफाजती इकदाम करने की यकीन दहानी। सीटीओ समेत मुतल्लिका हुकाम अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। दरख्वास्त गुजार अजहर सदीक एडवोकेट।
डेप्टी स्पीकर की जेर सदारत पंजाब असेंबली का अजलास, ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामले पर कमेटी कायम। वजीर कानून बशारत राजा सरबराही करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी नुमाइंदगी मिल गई। पंजाब असेंबली में भी मलिक असद खोखर की जीत का जश्न। मियां महमूद रशीद ने और दीगर अरकान ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कल का इलेक्शन रेफरेंडम था, सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान बोले, कम मार्जिन से इलेक्शन जीते मगर हम खुश हैं, इंतखाब में कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं की गई। सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की तजवीज की भी हिमायत। चीन के पार्लिमानी वफ्द का पंजाब असेंबली का दौरा, स्पीकर पंजाब असेंबली की गैर मुल्की मेहमानों को पार्लिमानी रवायात पर ब्रीफिंग। परवेज इलाही ने कहा, चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया, दरीना तालुकात पर फख्र है। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान कंट्रीब्यूशन पोर्टल की तकरीब रुनुमाई। सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद का कहना है कि चाइल्ड लेबर का खात्मा करेंगे, 5 साल में वो काम करेंगे जो 30 साल में भी नहीं हो सका। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का ख्याल रखना अस्पताल के अमले का फर्ज है। मरीज को खून लगाते वक्त उसे चेक करना जरूरी है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सेमिनार से खिताब। बीवी के बाद शौहर भी मुश्किल में, एफपीआर ने फिल्म स्टार अरबाज खान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। फिल्म स्टार अरबाज खान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई का फैसला किया गया। कौमी हॉकी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच दिलबर्दाश्ता। हॉकी टीम के हेड कोच तौकीर डार ने इस्तीफा दे दिया। कहा, वर्ल्ड कप पर जाने से पहले हम भीख मांगते रहे, हुकूमत को ख्याल ना आया। अगर हॉकी पर तवज्जो नहीं देना तो इस खेल को बंद कर दिया जाए। टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है तो तब्दीलियां करना होंगी। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो का इफ्तिताह। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खसूसी शिरकत। 25 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की फर्नीचर कंपनीज के स्टॉल्स में शहरियों की गहरी दिलचस्पी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार, पाकिस्तान में अकलियतों को दिए गए हकूक दुनिया के किसी भी मुल्क में हासिल अकलियती हकूक से ज्यादा है, मुकर्ररीन का खिताब। जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तनहाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। गुजारी जो न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो हूँ जो न लिया हूँ जनाब, जमाने की तलखियों और बेइतनाइयों को बेनकाब करने बागी शायर जो न लिया की 87वीं सालगिरह। और चिड़ियाघर में बंदरों के आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब, ट्रस्ट स्कूल के बच्चों ने केक काटकर बंदरों की सालगिरह मनाई, टैबलोस पेश करके खूब रौनकें लगाई।